अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल और आज की मेरी ये वीडियो जो है वो नेट मीटरिंग के हवाले से है। और क्योंकि अपने घर के अंदर 10 किलोवाट नेट मीटरिंग का सिस्टम जो है वो मैंने खुद इंस्टॉल करवाया था, तो मैं अपने आप को बेहतर जगह पे समझता हूँ कि मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकता हूँ कि वापडा के उस हिसाब से क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। और तो सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट नेट मीटरिंग के हवाले से आती है वो है कि आपके घर में पहले वापडा की तरफ से 3 फेज का जो है वो मीटर इंस्टॉल होना चाहिए। और अगर आपके घर में 3 फेज का मीटर इंस्टॉल नहीं है तो सबसे पहले आप जो है वो 3 फेज मीटर के लिए अप्लाई करेंगे वापडा में। और आजकल जो है वो 3 फेज मीटर के पैसे भरने के बगैर भी जो है आपका डायरेक्ट 3 फेज ऑन ग्रिड का जो ग्रीन मीटर है वो इंस्टॉल हो जाता है। लेकिन उसके लिए भी आपको सिंगल फेज से पहले 3 फेज के ऊपर शिफ्ट होने के लिए वापडा को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, जिसका तकरीबन जो खर्चा है सिक्योरिटी वगैरह डाल के तकरीबन 10,000 से 12,000 का सिक्योरिटी का एक डिमांड नोटिस होता है, वो आपने पे करना होता है। सिंगल फेज से 3 फेज मीटर के ऊपर शिफ्ट होने की वजह ये होती है कि वापडा जो है वो सिंगल फेज मीटर के ऊपर नेट मीटरिंग अभी जो है वो प्रोवाइड नहीं करता, और इसलिए हमें पहले सिंगल फेज को 3 फेज के ऊपर शिफ्ट करना पड़ता है, उसके बाद हमारी नेट मीटरिंग की जो एप्लीकेशन है वो वापडा प्रोसेस करता है। और बाकी बात रही पैसों की, 10 से 12,000 आपकी सिक्योरिटी हो जाती है। सिक्योरिटी के बाद जब आप सिंगल फेज से 3 फेज मीटर के ऊपर शिफ्ट होते हैं तो आपको पता है कि वापडा एम्प्लॉयज़ जो हैं वो तब तक आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस नहीं करते जब तक आप उनको उनका चाय पानी दे नहीं देते। तो चाय पानी के बगैर अगर आप ट्राई करना चाहें तो ज़रूर करें, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वापडा एम्प्लॉयज़ में जो करप्शन का रेट है वो बहुत ज़्यादा है। मैंने भी काफ़ी ज़्यादा ट्राई की थी लेकिन मेरा काम जब तक उनको चाय पानी नहीं दिया नहीं हुआ। और जब आप 3 फेज मीटर के लिए अप्लाई कर रहे हो और अगर आप नेट मीटरिंग करवाने के ख्वाहिशमंद हैं तो आपने वापडा को अपना सिंगल फेज से 3 फेज मीटर पे शिफ्ट होने से पहले जो है उनको इन्फॉर्म कर देना है कि हमने यह नेट मीटरिंग का जो है वो ग्रीन मीटर लगवाना है, ताकि वो आपका जो सिंपल 3 फेज मीटर जो है उसका डिमांड नोटिस ना बनाए, सिर्फ सिक्योरिटी का डिमांड नोटिस आपको बनाए और आपका लोड जो है वो सेंक्शन लोड मैक्सिमम जितनी पावर तक आपका घर जो है वो कंज्यूम कर रहा होता है उसको आपका सेंक्शन लोड कहते हैं। मतलब अमूमन हमारे घरों में सिंगल फेज मीटर जो है वो थ्री का सेंक्शन लोड होता है, मतलब आपकी मैक्सिमम जो पावर कंजप्शन है वो 3 किलोवाट तक जा रही होती है। तो इसी नेट मीटरिंग के लिए अप्लाई करने से पहले आपको सेंक्शन लोड जो है वो तकरीबन, क्योंकि अगर 5 से कम आपका सेंक्शन लोड है तो उसके ऊपर वापडा जो है वो नेट मीटरिंग जो है वो नहीं करता। 5 या 5 से ज़्यादा का सेंक्शन लोड आप अप्लाई करेंगे 3 फेज मीटर को, मेनली जो है वो अप्लाई करने का मकसद ही यही होता है कि आपका सेंक्शन लोड जो है वो 5 या 5 से ज़्यादा हो सके, क्योंकि सिंगल फेज मीटर के ऊपर आपका सेंक्शन लोड जो है वो 5 से अबव नहीं जाता, और इसलिए आपको 3 फेज का जो है वो मीटर अप्लाई करना पड़ता है। तो आजकल नई मीटर की एप्लीकेशन के लिए जो है वो वापडा का एक ऑनलाइन सिस्टम मुतारफ़ कराया हुआ है, और आपको जो है वो आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से नंबर अलॉट कर दिया जाता है, और जब आपका नंबर आता है तो उस हिसाब से वापडा जो है वो आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस कर देता है। इसके बावजूद जो है वो हमारे सिस्टम के अंदर अभी बहुत से जो है वो ड्रॉबैक्स हैं, क्योंकि वापडा एम्प्लॉयज़ अगर आपकी प्रायोरिटी नंबर किसी से पहले भी है तो आपकी एप्लीकेशन तब तक वो प्रोसेस नहीं करेंगे जब तक आप उनको चाय पानी उनका नहीं दे देते। तो सिंगल फेज से 3 फेज मीटर के ऊपर शिफ्ट होने तक का जो टाइम है वो तकरीबन 1 महीने से लेकर 3 महीनों तक जो है वो वेरी कर सकता है। आपकी नेट मीटरिंग की जो एप्लीकेशन है वो आपके सेंक्शन लोड अप्रूव होने के बाद ही सबमिट हो सकेगी। तो सेंक्शन लोड को जो है वो मज़ीद में आपको जो है ना वो बिल के ऊपर भी दिखा देता हूँ कि आप अपना सेंक्शन लोड किस जगह से बिल के ऊपर चेक कर सकते हैं। जी, तो यहाँ तक तो बात थी कि आप सिंगल फेज से 3 फेज मीटर के ऊपर किस तरह से शिफ्ट होते हैं। 3 फेज मीटर के ऊपर शिफ्ट होने के बाद आपके यहाँ पहले तो आपका सोलर सिस्टम जो है वो इंस्टॉल हुआ होना चाहिए, और इंस्टॉल इस तरह से हुआ होना चाहिए जो कि वापडा की रिक्वायरमेंट्स हैं। मतलब आपके सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन में जो है वो तमाम तरह सिक्योरिटी जो फैक्टर्स हैं उनको मद्देनज़र रखा जाए,
और आपकी जो अर्थिंग जो है वो प्रॉपर हुई हुई हो, लाइटनिंग रेस्टर जो है वो इंस्टॉल हो। तो इंस्टॉलेशन बेहतर तो ये है कि आप AEDB से प्रूव जो इंस्टॉलर्स हैं उन्हीं से इंस्टॉलेशन करवाएं, क्योंकि वो बेहतर तरीके से जानते हैं कि आपके सिस्टम के अंदर कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो वापा की तरफ से ज़रूरी हैं, ताकि वो उन्हीं रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करके आपका सिस्टम जो है वो अच्छे से इंस्टॉल करें, ताकि वापडा का जब विज़िट आए आपकी नेट मीटरिंग को अप्रूव करने के प्रोसेस के दौरान, तो वो किसी किस्म का कोई इशू ना निकाले। हाँ, अगर आपको नेट मीटरिंग के वाले से, इंस्टॉलेशन के वाले से रिक्वायरमेंट्स का पता है, तो आप किसी लोकल इंस्टॉलर को लगा के भी अपना सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवा सकते हैं। बाकी बात रही आपकी एप्लीकेशन जो AEDB से अप्रूव्ड जो इंस्टॉलर्स हैं, और ये जो इंस्टॉलर्स हैं AEDB से अप्रूव्ड, ये फाइल जो बना के देते हैं वो एप्लीकेशन होती है आपकी जो वापडा में सबमिट होनी होती है, और वो तकरीबन जो है वो 40 से 50 पेजेस की एक फ़ाइल होती है, जो कि एज ए एप्लीकेशन जो है वो वापडा आपसे रिसीव करेगा। तो उस फाइल के अंदर आपके तमाम तर सिस्टम की जो है इंफॉर्मेशन होगी कि आपके पास कौन सा इन्वर्टर है, कितने किलोवाट का है, सोलर पैनल कौन से हैं, कौन सी कंपनी के हैं, उसके बाद आपकी जो प्रॉपर अर्थिंग वगैरह है उसकी डिटेल्स, और लाइटनिंग अरेस्टर जो है उसकी एक तस्वीर वगैरह, ये तमाम तर चीज़ें जो है वो आपको तो उस फाइल के अंदर जो है वो आपका जो इंस्टॉलर की जो फाइल है वो आपको इसके अंदर लगा के देगा। तो हमारे यहाँ जब भी कोई मीटर के लिए एप्लीकेशन दी जाती है या फिर आप नेट मीटरिंग के लिए अप्लाई करते हैं, तो वापडा एम्प्लॉयज़ जो है वो आपको किसी किस्म की कोई जो रसीद है वो बना के नहीं देते कि आपने किस तारीख को जो है वो अपनी फाइल सबमिट करवाई है। ये रसीद ना देने के पीछे एक बड़ी वजह ये भी है, क्योंकि वापडा एम्प्लॉयज़ जो हैं वो तब तक आपका काम नहीं करते जब तक उनको पैसे और चाय पानी नहीं मिल जाता। तो आपको किसी किस्म का वो प्रूफ जो है वो देने से गुरेज करते हैं, क्योंकि अगर वो आपको रसीद बना के दे देंगे कि आपने फलानी डेट को जो है वो अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाई थी, और अगर वो किसी वजह से या अपने चाय पानी की वजह से आपको डिले करेंगे, तो ज़रूर आपके पास एक जो है वो प्रूफ होगा कि आपने इतने टाइम से उनको फाइल दी हुई है, लेकिन अभी तक जो है वो नेट मीटरिंग की जो एप्लीकेशन है उनकी तरफ से प्रोसेस नहीं की गई। तो यही मेन वजह है कि वो आपको किसी किस्म की रसीद बना के देने से गुरेज करते हैं। फाइल सबमिट करवाने के बाद तकरीबन हफ्ते दो के अंदर अगर आप जो है वो उनकी जो है वो रिक्वायरमेंट्स जो है वो पूरी कर देते हैं, तो हफ्ते दो के अंदर आपकी साइट विज़िट होगी। उस साइट विज़िट के अंदर जो है वो आपके टेक्निकल ऑफिस से और M&T डिपार्टमेंट से एक जॉइंट विज़िट आएगा। M&T डिपार्टमेंट होता है मीटर एंड टेस्टिंग डिपार्टमेंट, और बाकी एक टेक्निकल जो है वो पर्सन भी आएगा जो आपकी प्रॉपर जो है वो साइट को विज़िट करेगा, सोलर सिस्टम देखेगा और देखेगा कि आपकी जो फाइल बनी है उसके अंदर जो डिटेल्स आपने दी हैं उनको आपका सिस्टम उसी के अकॉर्डिंग इंस्टॉल हुआ हुआ है कि नहीं हुआ। और अगर कहीं आपकी साइट विज़िट करने वापडा से कोई ऐसा बंदा आ गया है जो कि पैसे लिए बगैर काम नहीं करता, मतलब कि जो रिश्वत खोर है, तो वो आपकी साइट के अंदर कोई ना कोई ऐसा इश्यू ज़रूर निकाल देगा या आपके फाइल के अंदर निकाल देगा कि आपको मजबूर हो के उसको पैसे देने ही पड़ेंगे। जी, तो इनके जो रेट्स वगैरह चल रहे हैं वो कोई चाय पानी वाला हिसाब किताब तो नहीं होता। हाँ, अलबत्त आपके जितने किलोवाट का सिस्टम है आप उतने हज़ार जो है वो आपको उनको साइट विज़िट करवाने के लिए देने पड़ते हैं, उनको उसको अप्रूव करवाने के लिए देने पड़ते हैं। इसके अलावा जब आपकी फाइनल जो है वो अप्रूवल वगैरह हो जाती है, तो जब मीटर M&T डिपार्टमेंट से जो टीम है वो आपका मीटर इंस्टॉल करने आती है, तो वो भी आपसे कुछ ना कुछ अपना चाय पानी ज़रूर ले कर जाती है। मेन आपकी नेट मीटरिंग प्रोसेस के अंदर जो है वो आपका साइट विज़िट होता है कि आप साइट विज़िट जो है वो अच्छे से करवा लें, और अगर कोई अच्छा बंदा आपको मिल जाता है आपकी जो साइट को अप्रूव कर देता है, तो उसके बाद आपको कोई ऐसा इशू नहीं होगा नेट मीटरिंग के हवाले से। नेट मीटरिंग का ये जो पूरा प्रोसेस है, ये तकरीबन मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ तो मुझे तकरीबन जो है ना वो 2 महीने का टाइम लग गया था, क्योंकि 25 किलोवाट से छोटे जितने भी कमर्शियल या रेजिडेंशियल नेट मीटरिंग का कनेक्शन है अब वो नेपरा की तरफ से जो है वो डिस्कोस के हवाले कर दिए गए हैं। डिस्कोस मतलब फेस्को, लेस्को,
कैपको वगैरह जो है वो अपने 25 किलोवाट से नीचे के जितने भी नेट वेटिंग के कनेक्शन है उनको खुद से ही डील करता है, मतलब उस पर कोई किसी किस्म का नेपरा का लाइसेंस की जो है वो ज़रूरत नहीं होती और ना ही कोई नेपरा की जो है वो फीस होती है। तो ये था जी कोई मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। और इसके अलावा जो वापडा के पास आजकल जो है वो नेट मीटर मतलब जो ग्रीन मीटर आपके इंस्टॉल होते हैं वो नहीं मौजूद, इसलिए जो है वो आपसे सिर्फ ग्रीन मीटर्स की जो इंस्टॉलेशन की जो फीस है वही लेगा, बाकी जो है वो आपको तार 4 कोर केबल और जो 2 मीटर है हमारे इलाके में 2 मीटर इंस्टॉल करते हैं, एक को एज ए बैकअप मीटर इंस्टॉल करते हैं और दूसरे को जो है एज ए पेरेंट, मतलब कि वापडा एम्प्लॉयज़ का कहना है कि अगर एक मीटर के अंदर कोई इशू आता भी है तो आपका दूसरे मीटर के अंदर रिकॉर्ड जो है वो सेव हो। तो ये सारी चीज़ें जो है आपने खुद परचेज़ करनी है, वापडा ने सिर्फ आपको पेपर्स के अंदर परमिशन देने की जो है वो अपनी फीस